स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आप सभी को पता है कल 23 है, तो कल एग्जाम है आरआरबी क्लर्क का। और जो बच्चे भी बैंक की तैयारी करते हैं वो बच्चे चार पांच एग्जाम की बहुत अच्छे से इंतजार करते हैं, उन पागलों की तरह इंतजार करते हैं। एक तो आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क, ये चार पांच एग्जाम हो गए ना, इनका इंतजार पागलों की तरह करते हैं जो बच्चे भी बैंक की तैयारी करते हैं, क्योंकि इनमें वैकेंसी बहुत ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर। अब मैं बात करूं कल जो एग्जाम है आरआरबी क्लर्क का, कल के एग्जाम में हर बच्चे का टारगेट ये होना चाहिए कि आप 35 प्लस कैसे अटेम्प्ट करेंगे 40 में रीजनिंग सेक्शन में। तो रीजनिंग सेक्शन को लेकर ही मैं कुछ टॉपिक डिसाइड करूंगा मिसलेनियस को लेकर कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मेन मेन टॉपिक को छोड़कर इस वीडियो के अंदर, कि आप स्मार्टली कैसे कल क्या करना है, कल प्लीज आप लोग मिस मत करना, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जैसे मैं बोल रहा था, देखो मैंने चार पांच वीडियो बनाए रीजनिंग सेक्शन में, बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, सो प्लीज कल मिस मत करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं। 45 मिनट में ना बिलो एवरेज बच्चे भी 35 प्लस रीजनिंग में कर आ रहे हैं, विश्वास मानिए। देखिए मैं कुछ टॉपिक आपको लिखा दे रहा हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा कि इस टॉपिक से भी कितने कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। एक तो पहला सिलॉक्स 5 नंबर तो आ रहा है, दूसरा कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर, ये हो गए 10, इन इक्वालिटीज 5। मैंने तीनों सेक्शन बहुत अच्छे से कराए, जो बच्चे भी मुझे एक महीने से फॉलो कर रहे हैं या फिर मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, उम्मीद करते हैं ये तीन सेक्शन करने में उन्हें 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, काफी क्वेश्चन इजी है, मैंने ए टू जेड करवाया है। अब जो बात आता है 10 नंबर का पजल, मैंने पजल की विश्वास मानो मैंने पजल हाई लेवल से लेकर बेसिक लेवल भी करवाया है, और मैंने प्रैक्टिस उस पजल की भी करवाया है जो आपके एग्जाम में बन रहे हैं डिट्टो प्री के एग्जाम में। सुबह भी मैंने कुछ बदल दिए थे, आपको बताया इससे पहले भी 2-3 दिन क्लास के आगे मैंने पजल करवाया है, और आज भी 2-3 बच्चों कमेंट्स आ रहा था, भैया हर पजल को करने में 2-2.5 मिनट लग रहा है और पजल एग्जाम में वैसा ही आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं ये 10 पजल आप कर लेंगे कल के एग्जाम में, 7-8 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा टाइम दे दिए। देखो टॉपिक कितना हुआ, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 क्वेश्चन हो गए अभी तक, जो आपके पॉकेट में है, जो आपके पॉकेट से कोई छीन नहीं सकता। अब आपके पॉकेट में और भी नंबर है रीजनिंग में, देखो एक है आपके पास सीरीज, जैसे आपके पास दिया रहेगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, ऐसे 7, 8, 9, 4, 3, 2, 1, 9, 7, 6, ऐसे। अब इस सीरीज के बेस पर क्वेश्चन रहेगा कि कितने सेवन है जिसके आगे इवन नंबर है, या कितने सेवन है जिसके आगे ऑड नंबर है, इसके ऊपर 5 क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गए सीरीज के क्वेश्चन, जो क्या हो गए 5 नंबर इससे हो गए, ठीक है, ये भी आपके पॉकेट में। अब आपको दिखाते हैं एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी बनने वाला है। अभी देखो अभी तक आपने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, आप पहले ये देखो अपने अभी तक आपने जो भी किया, आप नॉर्मल देखो 5, 10, 15, 20, 30 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन। अब देखो अब आपके बोर्ड में यह क्वेश्चन पड़ा हुआ है, देखो अब ये क्वेश्चन से भी 5 नंबर आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर में क्या दिया गया, लेटर, और नीचे डिजिट सिंबल कोड दिया गया है। अब इसके बेसिस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, क्या दिया गया है, इफ द फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज अ वोवेल देन आर कोडेड आर टू बी इंटरचेंज। अगर पहला जो अगर आपको एग्जाम में बोल दिया जाए, अगर नॉर्मल आपको एग्जाम में बोल दिया जाए कि आर A, F, Q और T, if the first letter is consonant and the last letter is vowel, then their code are to be interchanged. अगर आपको बोल दिया जाए कि इसका कोड क्या होगा R, A, F, Q, T, तो पहला जो कंडीशन दिया गया है, अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट हुआ, चलो पहला लेटर तो कॉन्सोनेंट है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, अब क्या बोला गया, एंड द लास्ट लेटर इज वॉवेल, तो लास्ट लेटर तो वॉवेल है नहीं, तो पहला कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। अब दो नंबर कंडीशन क्या दिया गया है, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर वॉवेल, अगर पहला और लास्ट लेटर दोनों वॉवेल हुआ तो है नहीं, तो ये कंडीशन ही फॉलो नहीं करेगा। अब थर्ड नंबर क्या बोला, इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट, तो ये कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है, पहला भी कॉन्सोनेंट है दूसरा भी कॉन्सोनेंट है,
बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द लास्ट लेटर. तो जो दोनों का कोड होगा ना, वो कोड वो होगा जो लास्ट लेटर का कोड होगा. टी यानी कि टी का कोड क्या है, टी का जो कोड है वो टू है, यानी कि यहां भी टू होगा, यहां भी टू होगा, और बाकी जिसका जो कोड है वो उतर जाएगा. अब देख लो कंडीशन, इसके ऊपर भी पांच क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं. सो ये आप नहीं बोल सकते कि भैया बहुत हार्ड टॉपिक है. तो पांच क्वेश्चन ये भी हो गए, तो टोटल अभी क्वेश्चन कितने हो गए, 35. विश्वास मानिए 38-39 बच्चे करकर आ रहे हैं एग्जाम में, रीजनिंग में. बस आपका स्पीड का, हाथ का स्पीड और आपका एक्टिवनेस अगर कल एग्जाम में रहा अच्छे से, पूरा फिट रहे, तो एग्जाम में आप कर पाओगे. बहुत इजी पेपर आ रहा है. अब देखो एक क्वेश्चन और दिखा रहा है, जो पांच क्वेश्चन लेफ्ट हो गए. अब देखो आपके जो पास जो पांच क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आपके पास, नॉर्मल देख लो. अगर बोल दे आपके पास हाउ मेनी सच पेयर लेटर, देखो जैसे क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी सच पेयर लेटर आर देयर इन द वर्ड जस्टिस, इच ऑफ विच हैज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज. अब देखो मैं इसको रब करता हूं, आप याद कर लेना, 5, 10, 15, 20, 25, 35 क्वेश्चन अभी तक हो गए, और जो पांच क्वेश्चन मिसलेनियस रहेंगे वो कैसे रह रहे हैं एग्जाम में आपको मैं बता दे रहा हूं. अब जो वर्ड दिया गया जस्टिस, जे यू, देखो जस्टिस के अंदर कितने ऐसे वर्ड या लेटर है जो पेयर में. अब देखो आपको नंबरिंग याद होना चाहिए, कौन सा लेटर किस नंबरिंग पे, जे कितने नंबर पे, जे जो हमारा आता है वो आता है 10 नंबर पे, आता है ना 10 नंबर पे. अब आपका यू, यू कितने नंबर पे आता है, यू आता है आपका 20-21 नंबर पे, यू आएगा 21 नंबर पे. और जो एस आता है वो तो आता है 19 नंबर पे. ये नंबर आपको याद होना चाहिए कि कौन कितने पे आ रहा है. अब जो टी है वो आता है हमारा 20 नंबर पे. आई कितने नंबर पे आता है, आई आई थिंक आता है 9 नंबर पे. सी कितने पे आता है, सी आता है आपका 3, और ई 5. अब बोल रहा है इस जस्टिस वर्ड के अंदर, इस जस्टिस वर्ड के अंदर कितने पेयर बनेंगे, मतलब तो थोड़ा ऐसे तो मुश्किल याद है ना, आप ऊपर ऐसे देखेंगे तो आपको आसानी होगी. जैसे देखो पेयर कितने बन रहे, 19 और 20, यानी एक पेयर तो बना पहला पेयर. और कोई पेयर बन रहा है 20, 21, 22, नहीं होगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, कोई पेयर नहीं बन रहा है, 3, 4 नहीं होगा, 3 बिल्कुल नहीं है. अगर एक बात आप और याद रखना, अगर देख लो यहां पर 3 है और यहां पर होता 5, 20 की जगह पर अगर 5 होता, सपोज कर लो ये 3 है या 5 होता, तो ये भी एक पेयर माना जाता. क्यों, क्योंकि कितने पेयर बन रहे हैं, तो 3 तो पेयर बन ही रहा है. यहां पर सपोज कर लो मिडिल में 4 होता, यहां 5, तो यानी कि ये भी क्या है, लाइन में है 3, 4, 5, ठीक है, तो ये भी एक पेयर होता, लेकिन यहां पर तो 5 है नहीं. तो जस्टिस में कितने पेयर बन रहे हैं, सिर्फ एक पेयर बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1. इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 35 + 1 = 36. लेकिन आप इसको लास्ट में करना, क्योंकि एक नंबर तो मिल जाएगा लेकिन हल्का टाइम लगता है इस क्वेश्चन को करने में. अब डायरेक्शन से आपके पास 2 क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, तो 36 + 2 = 38. डायरेक्शन एक क्वेश्चन काफी इजी आ रहा है. अब एक क्वेश्चन देखो आपके बोर्ड में और पढ़ा है, क्या बोला गया है, ए बी सी एंड डी आर 4 फ्रेंड. इसको फटाफट कर लेना फटाफट, क्या वो सी हैव टॉफी मोर देन ए, सी के पास जो टॉफी है वो एक से ज्यादा है, मतलब सी आगे आएगा ए बाद में आएगा. फिर बोल रहा है डी हैव टॉफी मोर देन ओनली ए एंड बी, जो डी के पास टॉफी है वो सिर्फ ए और बी से ज्यादा है, सिर्फ ए और बी से ज्यादा है. अब ए डी से जो टॉफी है डी का वो ए और बी से ज्यादा है, सिर्फ सिर्फ ए बी से. अब इसका मतलब हमारे पास 4 फ्रेंड है ए बी सी डी, लेकिन डी के पास जो टॉफी है सिर्फ ए और बी से ज्यादा है, यानी डी से ज्यादा टॉफी किसके पास है, सी के पास है, ठीक है. अब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, आपके पास जो क्वेश्चन है वो है देन हु हैव द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफी विद देम, तो 2 नंबर पे वो कौन सा बंदा है जिसके पास टॉफी सबसे ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा, डी. तो ये कर फटाफट निकल जाना 30 सेकंड के अंदर एक नंबर लेकर, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है आपको. अब देखो ये हो गए कितने क्वेश्चन आपके पास, 36, 37, 38, 39. एक क्वेश्चन जो आपके पास रहेगा वो अल्फाबेट नंबर पर रहेगा, यानी कि W, X, R, Y,
फिर आपके पास जो भी रहेगा जेड यू, अब क्या होगा? तो अगर आपके पास लेटर या लेटर है, लेटर आप ए बी ए से जेड तक फटाफट लिखे ना, देखना क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो आंसर होगा। लेकिन ये क्वेश्चन और पेयर वाला क्वेश्चन जो है ना, जो आपका अल्फाबेट के ऊपर बेस है, उसको आप बाद में करने की कोशिश करना। कर तो हर बच्चे लेंगे, लेकिन देखना आपको टाइम बचाना है। 45-50 एक मिनट में करते हैं ना एक क्वेश्चन को तो लॉस ही है, क्योंकि आपको 45-50 सेकेंड में कर निकल जाना है। तो ये क्वेश्चन को कोशिश करना लास्ट में करने का। 40 में 40 क्वेश्चन हर बच्चा को आएगा, आपको भी आएगा, खुश मत हो जाना कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। करना कितने मिनट में ये सबसे बड़ा मैटर करता है आप लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आप लोग समझ पाए होंगे कि आप लोग कल के एग्जाम में आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, और आपका एक्टिवनेस जो है वही कल आपको क्या विजयी दिलाया कल के एग्जाम में। सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। कल का एग्जाम बिल्कुल अच्छे से देना आप लोग।